तो भाई लोग यूका मेरा रेडी है भाई, बहुत दिनों बाद यूका लेके आ चुका हूँ और यूका के साथ आज टीम वर्क टैलेंट लेके खेलने वाला हूँ। आप लोग डिफरेंट टैलेंट मेरे को बोल सकते हो, इस टैलेंट के ऊपर बताओ, मैं उस टैलेंट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आज ये देखो टीम वर्क टैलेंट लेके खेलने वाला हूँ। टीम वर्क टैलेंट क्या बोल रहा है, इफ यू का सक्सेसफुली हिट्स आर ओपोनेंट विद अ हेवी अटैक तो शेड्स नेक्स्ट अटैक विल बी क्रिटिकल। मतलब मैं अगर हेवी अटैक सक्सेसफुल कर लूँ तो भाई उसके बाद मेरा जो शेड आएगा ना कंधों पे, वो क्रिटिकल हो जाएगा। यही टीम वर्क टैलेंट है। तो इसको यूज करने के लिए कैसे आपको खेलना पड़ेगा, चलो वो देख लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे को हेवी सक्सेसफुल करना पड़ेगा। ठीक है, ये दिमाग में रख के मैं गेम में जा रहा हूँ। ठीक है, मेरा हेवी सक्सेसफुल करना है। हेवी सक्सेसफुल करने के लिए हेवी जब करूँगा मैं, तब उस टाइम में मेरा कंधों पे जो नॉर्मल शेड रहेगा उसको छोड़ के मैं ब्लॉक ब्रेक करूंगा। ठीक है, तो चलो भाई लोग शुरू करते हैं फाइट। सॉरी ओके अच्छा लगा है। चलो ब्रो शुरू करते हैं। लेट्स गो। ओके शिट। ये देखो, ये हेवी किया। देखो क्रिटिकल आ गया। शिट, ओ क्या डॉच किया इसने। ओके और चलो ये शेड हो जाएगा। ओके ओ शिट भाई कितना अच्छा डॉच कर रहा था ये। वेल प्लेड। अरे भाई, तो टीम वर्क टैलेंट लेके खेल रहा हूं। ऐसे डिफरेंट टैलेंट के ऊपर वीडियो आएगा। ठीक है, अभी इसके साथ नहीं हो रहा है। बंदा अच्छा खेल रहा है। ओके नाइस, वेरी नाइस, वेल प्लेड ब्रो, वेल प्लेड। चलो ये मौका मिल गया है। चलो अभी देखो शेड आ चुका है। ये देखो नाइस। ओके और इसके साथ ये खत्म भाई। रियली बंदा अच्छा खेला भाई, अच्छा खेला। ऑयल प्लेट। नहीं ब्रो, रीमैच नहीं, अनकट कर रहा हूँ। टीम वर्क टैलेंट का ऊपर वीडियो कर रहा हूँ, अनकट कर रहा हूँ। ऐसे डिफाइन टैलेंट के ऊपर वीडियो लाऊंगा। ओके चलो 590 हो चुका है। तो जो चीज आपको दिमाग में रखना चाहिए, अच्छा एक चीज मैं यहीं पे दिखा देता हूँ। ये जो टीम वर्क टैलेंट है, इसके साथ ना मैं मॉरल बूस्ट ले लिया है, क्योंकि हेवी तो करना ही पड़ेगा ना। जब मैं हेवी करूंगा उस टाइम में ये जो मॉरल बूस्ट देखो टैलेंट है ना, इससे भी हेल्थ रिस्टोर होगा। मतलब जो अटैक आपको करना है उसके ऊपर बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो अगर आप टीम वर्क लेके खेल रहे हो तो जरूर मॉरल बूस्ट भी लेके खेलना, तो भाई आपके पास हेल्थ ज्यादा आएगा। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आ जाओ यार टीटी का चैनल पे आ जाओ। ओके सर्चिंग टाइम हो रहा है। मॉरल बूस्ट कुछ नहीं, अगर सक्सेसफुल हेवी होगा तो हेवी अटैक सक्सेसफुल होगा तो हेल्थ रिस्टोर होगा। ओके नो लॉन्ग CUOC बोल के कोई आ रहा है। देखो ओपोनेंट ऑब्वियसली बहुत स्मार्ट है, वो नहीं चाहेगा, वो देख लिया है आपका टैलेंट, देख लिया है आपका पास टीम वर्क है, नहीं चाहेगा आप हेवी अटैक करो। उसका पैटर्न से वो खेलेगा, आपको करना है जो करने का है आपको। अभी नहीं,
ओके ओके क्रिटिकल शेट चाहिए मेरे को। ये देखो अबे ले ले भाई ले ले इसको ले ले। अभी नहीं 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 यार नहीं यार। ठीक है भाई मैच बहुत इंटेंस चल रहा है, बहुत ही इंटेंस चल रहा है भाई। मैं शांत होके खेल रहा हूँ और एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, वो क्रिटिकल शेट सेव करने का कोशिश कर रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ओके ओके देखो इसका शैडो बार फुल है। अभी 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 स्पिनिंग कितना कनेक्ट हो जाता है भाई। ओके इसका स्पिनिंग बहुत अच्छे से कनेक्ट होता है। ये देखो क्रिटिकल शेड आ चुका है क्योंकि हो चुका है ये। ओ मर चुका है। ओ भाई ठीक है चलो कोई बात नहीं, डैमेज हो रहा था ना क्योंकि मॉरल बूस्ट के साथ मैं डैमेज वाला भी कुछ सीन लिया है मेरे को लग रहा है। भाई लगा दे हेवी। देखो क्रिटिकल शेट सेव करने का कोशिश कर। ओके बहुत कैंसिल कर रहा है भाई, अच्छे से कैंसिल कर रहा है बंदा। रियली रियली वेल प्लेड, क्या कैंसिल मार रहा था बंदा। नो लॉन्ग सू सी यू ओ सी भाई। तो देखा भाई टीम वर्क टैलेंट लेकर आप खेल रहे हो। क्रिटिकल सेट आ रहा है, वो क्रिटिकल सेट तो सेव करने का कोशिश करेगा। तो भाई अगर टीम वर्क टैलेंट लेकर खेल रहे हो तो पूरा शांत होके एकदम देख के खेलना पड़ेगा। अच्छा है अनकट खेल रहा हूँ, जो भी टैलेंट दिखाऊंगा भाई अनकट दिखाऊंगा। ओके 11 का आ रहा है, इटू लेके आ रहा है भाई। इस सीजन में यू का मैंने नहीं खेला है, अभी शुरू कर रहा हूँ। और आज का जो नेम है इस गेम प्ले का नाम रहेगा टीम वर्क एंड मॉरल बूस्ट, दोनों चीज रहेगा। ओके ओके नहीं हो रहा है। नाइस ये देखो हेवी कनेक्ट, मतलब कंधों के क्रिटिकल से आ चुका है मेरे को लग रहा है। क्रिटिकल से नहीं आया, मेरा हेवी सक्सेसफुल नहीं हुआ। आ गया तो क्रिटिकल से तो आ गया था। हाँ तो भाई हेवी करने से ब्लॉक ब्रेक करके हेवी सक्सेसफुल होगा तो क्रिटिकल से आएगा, ऊपर से हेल्थ भी इंक्रीज होगा। चलो नाइस वेरी नाइस। अच्छा
अच्छा ओ निकल गए ऊपर से। भाई साहब चलो और एक सक्सेसफुल। ओ भाई और ये खत्म। चलो भाई कैसा लग रहा है भाई कमेंट करके बताना, भाई कमेंट करके बताना। फर्स्ट टाइम टीम वर्क लेके बहुत पहले खेलता था लेकिन टीम वर्क से मैं बहुत कम खेलता था। अगर रियल बात सुनना चाहते हो रियलिटी ऐसा ही है, मैं टीम वर्क बहुत कम खेलता था क्योंकि मेरा हाथ में उतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं था, अभी भी उतना ज़्यादा नहीं है। वो एकदम राइट टाइम पे हेवी करने का टाइम पे शेट छोड़ के उसका ब्लॉक ब्रेक करके हो जाता है भाई। प्रैक्टिस किया हूं मैं बहुत इसलिए हाथ में हो गया। नो रीमैच यू वर्क कवर्ड। ओके पहले ही कवर्ड बोल दिया भाई। ओके क्योंकि इसको पता है भाई क्या चल रहा है इस गेम में, इसलिए शुरू में जा तू कवर्ड है तू निकल जा भाई। ओ भाई चलो फर्स्ट मैच खेलूंगा सिर्फ टैलेंट के ऊपर हो रहा है, सीरीज नहीं हो रहा है ये। ओके लेट्स गो। वो क्या टाइमिंग। अबे चलो ले लिया। अबे नहीं 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 यार नहीं। ओके शिट भाई वो सैडिस्ट वाला सीन है भाई, सैडिस्ट है इसके पास। ठीक है कोई बात नहीं कोई बात, कॉन्सेंट्रेट करने दो कॉन्सेंट्रेट। ओके डिफरेंट टैलेंट लेके खेल रहा हूँ ना, कॉन्सेंट्रेट करने दो। ओके मेरे को पता लग चुका है। अबे क्या खेला भाई क्या खेला, अच्छा खेला भाई अच्छा खेला, वेल प्लेड अच्छा खेला। ठीक है चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखा भाई मतलब बूचर प्लेयर एक चीज यहीं से मेरे को समझ में आ गया, आपको उसका जो रेंज अटैक था ना उससे आपको बचना पड़ेगा, नहीं तो रेंज अटैक सक्सेसफुल हो रहा है तो उसका वेपन जल रहा है मतलब वो ब्लॉक ब्रेक कर देगा। ऊपर से सैडिस्ट भी है भाई, उसके अगेंस्ट में अगर टीम वर्क लेके खेल रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के दिमाग लगा के खेलना पड़ेगा भाई। ठीक है बाद में देखूंगा। ठीक है ये आ रहा है ग्राम मीडिया बोल के कोई जून लेके आ रहा है। ओके चलो मैं रेडी हूँ। Okay.
और ये खत्म। ओह ये खत्म भाई, उसको सोचने मत दो भाई, सोचने का टाइम मत दो भाई। और मैं हेवी करके ब्लॉक ब्रेक करने का कोशिश कर रहा हूँ। He doesn't bite or do you? ये देखो ब्लॉक ब्रेक। शिट शिट, क्रिटिकल सेट आ गया है भाई, आएगा। चलो ले लिया, क्रिटिकल सेट आएगा। और ले लिया। ओहो हो, दिस इज कॉल्ड टाइमिंग। फिर से क्रिटिकल। ओहो डैमेज हो रहा था भाई, डैमेज हो रहा था। चलो इसके साथ ये खत्म भाई, थोड़ा शांत होकर खेल रहा था। मतलब एक बार सक्सेसफुल हो गया तो भाई हो गया भाई। चलो और एक फाइट जाता हूँ, चार पांच टाइम मैच ऐसे ही खेलूंगा और देखता हूँ नेक्स्ट कौन आता है। आज सिर्फ टैलेंट के ऊपर रिव्यू कर रहा हूँ, सिर्फ टैलेंट देख लो ठीक है। नेक्स्ट डे कुछ अलग, कुछ दूसरा कुछ खेलूंगा। ऐसे ही रैंडम वीडियो आने वाला है ओनली ऑन टीटी गेमिंग 307। ओके ये एज्यूमा लेके आ रहा है। देखता हूं क्या होता है भाई। प्रिपेयरिंग द बैटल फील्ड राउंड वन। शेड डजंट लाइक यू, नीदर डू आई। ओके भाई कैसे खेल रहा है, कौन है ये? ओ भाई साहब ठीक है चलो, ये आज का लास्ट मैच है भाई। बंदा बहुत होशियार है, बहुत ही होशियार है, हेवी करने का मौका नहीं दे रहा है मेरे को। ये देखो ओके यार, ठीक है क्या यार, क्या पैसिव है बंदा भाई, क्या पैसिव है। तो चलो भाई लोग, इसके साथ आज दिखा दिया टीम वर्क एंड मॉरल बूस्ट क्या होता है भाई, और इसको एग्जीक्यूट करना टफ है। आप देखो आपके पास अगर ऐसे आप ये टैलेंट लेके खेल रहे हो तो कैसे आप खेलते हो, वो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। देखते रहो ये टीटी गेमिंग 307, कुछ मुस्कुराते रहो टीटी का साथ रहो।